इतना खतरनाक मंजर अपनी लाइफ में पहली बार देख रहे हैं हम। जल्दी आ जा जल्दी। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। आज के इस ब्लॉग में मैं आपको दिखाने वाला हूं कि मेरे विलेज में कैसी सिचुएशन हो गई है। बहुत ही ज्यादा सिचुएशन खराब हो चुकी है। रेड नोटिस जारी हो चुका है गवर्नमेंट की तरफ से। बहुत ही ज्यादा सिचुएशन खराब है, वो इस वजह से क्योंकि बारिश दो तीन दिन से कंटिन्यू थी। वो भाई पेड़ गिर गया अभी वो। नदी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। अब यहाँ देखो, मैंने यहाँ हाथ लगा के रखा है ना, नदी की आवाज इतनी आ रही है कि पूरी बिल्डिंग में मेरे को वाइब्रेशन फील हो रही है। पूरी बिल्डिंग हिल रही है मेरी। जैकेट दो वाला मेरा रेड वाला। गाइस, घर में जितने भी अम्ब्रेला थे सारे ले गए हैं गांव वाले। और यहाँ पे बारिश लगी है, मैसी बारिश में जा रहे हैं आप लोगों को दिखाने के लिए। कितना भयंकर मंजर है देखो। ओए ओ भाई, वहाँ देखो गाइस, वहाँ जो नदी है ना, ये पूरे उन वो जो घर है वहाँ पे टच हो रही है पूरी। देखो आने ही वाली है ऊपर की तरफ को, हमारी प्रॉपर्टी के बहुत करीब है। दोस्तों अभी हम ले चलते हैं आपको आगे दिखाने की, आगे क्या क्या सीन हो चुका है। यहाँ देखो भाई, बिजली का पोल ही गिर गया यार। अब मेरा फोन स्विच ऑफ है, ऊपर से लाइट नहीं है यहाँ पे आज। नदी देखो, पोल ही गिर गया है। ओ भाई भाई, ओ यहाँ देखो, ये नदी का पोल गिर गया, मुंह के सामने पहुंच गई है नदी गाइस। यहाँ देखो भाई, रोड रोड तो मेरे को लगता है ये महीना दो महीना का ब्लॉग है। नमस्ते, हाँ जी, वीडियो कॉल में डाल दें तो। हाँ वीडियो में डालूंगा मैं। यहाँ देखो भाई जी, बड़ा डरावना मंजर हो गया है। इससे मैं आपको आगे जाके दिखा देता, पर ये अभी सेफ नहीं है यहाँ से जाना। ये पुल भी मतलब कभी भी जा सकता है, बड़ी डेंजरस सिचुएशन है यहाँ पे। आज तुम आज पानी डाल रहे हो ना, जो आज किसी जल बोझ है ना, उन्होंने एकदम डैम खोला। इनका कहना ये है कि पीछे यहाँ पे डैम बना हुआ है SPPCL कंपनी द्वारा, उन्होंने जो है पानी एकदम से छोड़ दिया है, जिसकी वजह से जो नीचे हमारा विलेज है वहाँ पे बहुत सारी कैजुअलिटीज सफर करनी पड़ रही है। आप देख सकते हैं ये हमारे दादाजी का घर है वो वाला। यहाँ देख सकते हैं नदी कितने करीब पहुँच गई है इस घर के। यहाँ देखो गाइस, देखो जरा यहाँ पे मतलब पूरा ही चला गया है। ये घर तो बिल्कुल मतलब सेफ ही नहीं है, कभी भी जा सकता है ये। और इस पुल में मैं आपको आगे जाके दिखा देता पूरा मंजर, मतलब कि कितना खतरनाक है। पर ये जो पुल है ना, ये खुद अभी सेफ नहीं है, ये कभी भी धस सकता है। और इसके साथ साथ वहाँ पे आप देख सकते हैं जितने भी वहाँ पे घर है ना, सारे डेंजर में। अभी नदी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, भीग चुके हैं हम पूरी तरह से, देख सकते हैं अभी उठा हूँ मैं। और ये जो बारिश है ना, ये कई दिनों से हो रही है। जगह जगह जो है बिजली के पोल गिर चुके हैं। हमारे को मेरे को लगता है कि इस विलेज में लाइट भी नहीं आएगी एक हफ्ते तक। और मेरा फोन स्विच ऑफ हो गया एक हफ्ते तक, ना आप ये ब्लॉग देख पाओगे एक हफ्ते तक। हमारी गाड़ियाँ, हमारे व्हीकल सब कुछ घर पे ही धरा रह गया है। ये पुल से अब गाड़ी भी नहीं निकाल सकते हम, क्योंकि ये पुल कमजोर हो चुका है, कभी भी टूट सकता है। मतलब पिन पार्वती नदी अपने बहुत ही रौद्र रूप में है आज, वो आप देख सकते हैं वहाँ पे देखो रोड, वो वाला भी गिर चुका है। रोड गिर चुके हैं, लोगों के घर सेफ नहीं है, कुछ भी सेफ नहीं है आज। गाड़ी फंस गई है गाइस, एक तो मेरी परे, अब कैसे निकालूं मैं उसको। अभी अभी सोकर उठा था, और सोकर उठते ही मेरे को ये चीज देखने को मिल रही है। मेरे को पास जाते हुए भी डर लग रहा है यहाँ पे। बेचारे दादू जी देखो ऊपर टेंशन में, यहाँ से तो चलते हुए भी डर लग रहा है मेरे को। चलो गाइस घर की तरफ चलते हैं। फिलहाल इस सिचुएशन में अभी हम कुछ नहीं कर सकते हैं। यहाँ देखो गाइस, हमारा पिन पार्वती होम स्टे, और वहाँ रही पिन पार्वती नदी। नदी देख के मैं इतना डर गया, मेरे पसीने निकल गए। पर भाई इन सब के बीच हमारे पास एक ऐसी महिला भी है जिसको बिल्कुल दिन दुनिया से लेना देना नहीं है, जिनके पास जिगरा है। टुली के सारे लोग डरे हुए सहमे हुए इधर उधर भाग रहे हैं, पर ये महिला अपना काम कर रही है पूरी निष्ठा से, इनको फर्क नहीं पड़ता है। तो जैसा कि आपने देखा हमारी संवाददाता मम्मी जी ने कहा है, मरना एक दिन तो है, आज मरे या कल मरे। पर हम मम्मी को आश्वासन देना चाहेंगे, हम नहीं मर रहे आज, बस लाइट आ जाए किसी तरह। गाइस हम आपको अपडेट देते रहेंगे कि क्या क्या होता है, अभी सिचुएशन थोड़ी कंट्रोल में आ जाए आपको बताएंगे। मैंने सोचा था इससे ज्यादा बुरा अब कुछ नहीं होगा, पर
पूरी विलेज खिड़कियों में हाथ लगा रहे हैं ना, पूरी वाइब्रेशन फील हो रही है। क्या हो गया? अंकुश गाड़ी लगा साइड। क्या हो गया? गाड़ी वो आ गई, नदी आ गई, मंदिर से मंदिर तक पहुंच गई। अब मैंने तो कपड़े चेंज कर दिए थे यार, अब फिर से पड़ेगा मेरे को। गाइस अब आगे सिचुएशन थोड़ी और खराब हो चुकी है, बार बारिश हो रही है, बारिश है लगातार लगी हुई, नदी बढ़ती जा रही है। अब क्या करना होना, ये लगे सामान चकने। तो गाइस यहाँ पे मतलब लोग जो है अपने घरों से सामान निकाल रहे हैं, लोग सारे डर चुके हैं कि मतलब घर तक पहुंच जाएगा ये पानी आज। हो सकता है और देखो गाइस सिचुएशन कैसी भी हो, हमेशा अपने चेहरे पे एक स्माइल रखनी चाहिए भले ही फेक हो। चलो गाइस पहले तो पैरों को कर देते हैं हम ऊपर ना। ये नदी बढ़ गई आज बहुत ज्यादा, इस मेरे को लग रहा है बहुत ही ज्यादा सिचुएशन जो है हाथ से परे जा रही है। क्या हो रहा है? बाइक गई हमारी। ओ भाई नदी देखो वहां, देखो गाइस ये जो आप देख रहे हैं ना, ये रोड, ठीक है ना, रोड तक पहुंच वहाँ देखो दोस्तों, सारा मतलब यहाँ पे खत्म हो गया है। वो रोड भी गिर चुका है, पर रोड में नदी चढ़ चुकी है, हमारे यहाँ तक पहुँच रही भाई ये नदी। क्या हो रहा है तू? मजा आ रहा है देखने का। वहाँ देखो, वहाँ देखो गाइस, पेड़ पुड़ गिर गए, चक दिए सारे पेड़, बम फटने की आवाज आ रही है नदी का पानी ऐसे। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, लोग अपने घर जो है खाली कर रहे हैं। सिचुएशन बहुत ही ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है यहाँ पे, मतलब एक भी इंसान अभी मेरे गांव में चैन से नहीं बैठा अपने घर पे। वहां देखो, मैं अभी आपको थोड़ा और आगे ले जाके दिखाऊंगा। यहाँ देखो भाई पानी कहाँ पहुंच गया, देखो हाँ देखो पानी कहाँ पहुंच गया। ये गाइस यहाँ पे स्कूल है, ठीक है ना, स्कूल में रहने के लिए गांव वाले जो है स्कूल की चाबी है ये, मैं स्कूल के ताला खोल रहा हूँ और यहाँ पे बिस्तर लगा रहे हैं गांव वाले आज। मतलब सिचुएशन बहुत ही आउट ऑफ कंट्रोल चली जा चुकी है। स्कूल का ताला, ये स्कूल में रहना पड़ रहा है, मेरी लाइफ में फर्स्ट टाइम रहूंगा स्कूल में। वो गुन्नू को रखा है यहाँ पे बांध के, वो आप देखो गाइस ये जो कपड़े हैं सारे कपड़े अब इस कमरे में रखने हैं ताकि सोने के लिए रात को यहाँ पे अपना जुगाड़ हो जाए। अरे क्या हो रहा है ये भगवान, यहाँ देखो भाई मंदिर में घुस गया है पानी पूरी तरह, मंदिर उठ जाएगा थोड़े टाइम में ही मेरे को लग रहा है। और चलते नीचे बड़े बड़े जैकेट लाते हैं पूरे गांव वाले भाई। यहाँ देखो रोड में पहुंच गई है, यहाँ देखो मंदिर जो है ये जाने ही वाला है, रोड में भी अभी फिलहाल पहुंच गई है। वो देखो वो ज्यादा पेड़ को देखो, ये वाला पेड़ ये रोड के बिल्कुल बगल में है और पूरा गिरने वाला है ये भी। वहाँ देखो मंदिर में कहाँ तक पानी चला गया, देखो गाइस पूरा चला गया वो, देखो वो भाई बहुत ही सीरियस सिचुएशन हो गई है यहाँ ना। गाइस हमारा जो है प्रॉपर्टी का बहुत ज्यादा नुकसान हो गया है यहाँ पे, बहुत ही ज्यादा नुकसान हो गया प्रॉपर्टी का, पूरे विलेज का मिला के लाखों का नुकसान हो गया है यहाँ। वो भाई वो बड़ा पत्थर कहाँ गया, वो बड़ा पत्थर गिर गया भाई यहाँ पे था, यहाँ गिर गया नीचे पूरा ही। वी हैव लॉस्ट ऑल आवर होप्स, अपने अपने घरों से सब लोग बाहर निकल चुके हैं। ये देखो यहाँ संजू, गाइस वो देखो वो जो पुल है ना, इसमें जो आपको पेड़ पौधे पेड़ पुड़ दिख रहे हैं ना, झाड़ी झूड़ी पत्ते पुत्ते, ये इस नदी ने छोड़े इसके ऊपर। तो संजय चौहान की फटकार हो चुकी है और ये देखो गाइस बहुत ही भाव पड़ रहा है, पानी का पूरा गाइस जितना तुम्हारे को कैमरे में दिख रहा है ना, मैं बोल रहा हूँ ये कुछ भी नहीं है जितना रियलिटी के कंपैरिजन में ना, कुछ नहीं। लोग देखो यहाँ पे छाते लेके सारे खड़े हुए, यहाँ देखो लोग अपने, यहाँ देखो भाई यहाँ पे पहुंच गई, देखो यहाँ पे पहुंच भी गई नदी। निकलो 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 भाई, पूरा भर गया। ओ भाई ओ भाई ओए ये, ओ ये वाला मंजर देख के ना गाइस हिम्मत ही टूट गई है मेरी तो। ओ भाई पूरा हो गया, ये हो गया सीन।
ओ भाई वो आ रहा है, ये हो गया बहुत बड़ा सीन भाई, वहां डर लग रहा है अब। बंद कर गया। ओ भाई ओ भाई ओ जल्दी निकालो गाड़ियां तोरे गाड़ी कने ये गाड़ियां निकाल रहे हैं अभी इस टाइम पे पीछे। ओ भाई अब एक पुल बन पेड़ गिर गया, पेड़ गिर गया जल्दी। ओ मिशन बहुत ही ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो गया भाई, क्या बोल रहा पीछे पास। ओ भाई जल्दी आ जल्दी अंकुश जल्दी कर जल्दी जल्दी जल्दी। ओ भाई मेरी लाइफ का सबसे बुरा दिन है, मेरी लाइफ का सबसे बुरा मोमेंट देख रहा हूं मैं अब। अकेला बचा है न्यूली में और कुछ नहीं बचा यहाँ पे। ओ भाई बहुत ही डेंजरस सिस्टम हो गया। बढ़ती जा रही है बस ये नदी रुकने का नाम। ओ भाई बहुत ज्यादा बढ़ गई है, जल्दी आ जा जल्दी। देखो दोस्तों नदी ने अपना रास्ता बिल्कुल क्लियर कर दिया है, ना अब आपको मंदिर दिखेगा ना आपको डिस्पेंसरी दिखेगी, पुल भी थोड़ा बहुत ही दिखेगा। रुको दिखाता हूँ मैं, देखो गाइस सिचुएशन आप देख सकते हैं, मेरे सामने जो पुल है सिर्फ एक अकेला यही पुल बचा है मेरे विलेज में, बाकी यहाँ से जितना भी सारा जितने भी घर थे सारे नदी ले गई है, कुछ भी नहीं बचा। और मतलब हमने सब ने अपने घरों से सारा सामान निकाल दिया है, सिचुएशन बहुत ही डेंजरस है यहाँ पे। गाइस हमारे लिए प्रे करो, हमारे विलेज के लिए प्रे करो, बहुत ज़्यादा डैमेज कर दिया है मेरे गांव का, लाखों का डैमेज कर दिया है। करीब से दिखाते हैं तुम्हें, देखो सामने देखो पुल जाने ही वाला है, भी यहाँ पे कोई भी सेफ नहीं है। आपको मैं अपना घर दिखाता हूँ कितना सा बचा, बहुत ही क्रिटिकल हो चुकी है। यहाँ देखो ये रही नदी, ठीक है ना, ये देखो कितना सा बचा हुआ है सिर्फ हमारा एक छोटा सा आशियाना। यहाँ आप देख सकते हैं जितने भी लोग हैं सब बहुत ज्यादा टाइम, इसके चेहरे में आप फेक स्माइल देख सकते हैं। ये लोग बोले कि कितनी फटी पड़ी है, कितनी खतरनाक नदी है, ये बस हंस रहे सब भाई। इसका मतलब है जब बंदा रो नहीं सकता है ना तो एक ही ऑप्शन होता है, फिर हंसना ही पड़ता है। बहुत ही डेंजरस नदी है, बस एक पुल टिका हुआ है अब और हमारा आसरा। ये देखो पूरी विलेज बहुत ही भयंकर, इतना खतरनाक। ये देखो पूरा स्लाइड हो चुका है, और
इतना खतरनाक मंजर हमने अपनी लाइफ में पहली बार देख रहे हैं हम। इतना खतरनाक मंजर अपनी लाइफ में। ओ माय गॉड, यहाँ देखो गाइस, ये मेरा घर है और इतना सा एरिया बचा हुआ है बस यहाँ पे। बाकी नदी ने सारा साफ कर दिया है, सेंटर से लेके पुल देख सकते हैं। पुल के पीछे बहुत सारी दुकानें थी यहाँ पे, इस एरिया में सारी चली गई है। चलो भाई जी ऊपर चलो, ऊपर चलो, ऊपर बच्चो। समुद्र जैसी, सुनामी जैसी नदी आ गई है यहाँ पे भाई। साल से ज्यादा लगेगा ये सब फिर से रिबिल्ड होने में, क्या बोल रहा है तू? डेढ़ दो साल तो लग ही जाएगा पूरा रोड रोड पुल पाल के साथ। यहाँ देखो भाई घर जा रहा है, देखो देखो अब ये बड़ा घर भी जा रहा है, ये भी जा रहा है। इन तीनों की बारी लगी है। कौन सा गया, कौन सा? ओ तुम्हारा, वो तुम्हारे ताऊ का था वो। नीचे की तरफ नहीं है ना, नीचे की तरफ रोड भाई, रोड रोड हो गया पूरा। ये आप देख सकते हैं गाइस, ये जो देख रहे हैं ना, अब ये जाता है रोड पर। देखो रोड पूरा कवर हो गया है रोड। चलो परे वाला हो, देखते हैं रहा ये नीचे। देख छोटा पेड़ एक लगाया हुआ, वो भी जाने वाला। इस पेड़ की बात होगी बस सारा, इससे ऊपर मत आ, बस यहाँ से ऊपर अगर आ गया ना तो जाएगा सीधा। सुबह से दोस्तों हमने खाना तक नहीं खाया है, गुजारा देखो कैसे हो रहा है यहाँ। ब्रेड खा रहे हैं हम भाई, ब्रेड। जिंदा रहने के लिए ना कीड़े भी खाने पड़ेंगे इसके बाद। यहाँ देखो पूरे भीग चुके हैं। अभी ये स्कूल में एक कमरा हमने लिया है, वहाँ पे हमने थोड़ा बहुत सामान रख दिया जितना हम निकाल सकते थे। तो हमें गांव वालों की हेल्प करनी पड़ेगी उनका सामान निकालने में, जितने भी घर है यहाँ पे, जितने बुजुर्ग वगैरह उनको निकालने में। तो इस वजह से हम अभी ब्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, यहाँ पे बहुत सारे बुजुर्ग है उनको हेल्प भी करनी है यहाँ वहाँ जाने में। तो हम भाई जितना दिखा पाएंगे उतना दिखा लेंगे आप लोगों को। बाकी क्या पता अब क्या हो इसके बाद, हम लोग कुछ नहीं बोल सकते हैं, हम लोग खुद बहुत परेशान है। गाड़ियाँ हमारी फंस चुकी है ना, हम गाड़ियाँ निकाल सकते, कुछ नहीं कर सकते हम। बाकी ये ब्लॉग आज इतना ही है, अभी हम आगे शूट नहीं कर पाएंगे। चल उस मंदिर का देखते हैं अभी। ओके बाय बाय गाइस।